चलिए आवाज आ रही है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, मना धन बल की सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। देखो सही संधि पूछा गया है, तो देखो हमने एक बताया था विसर्ग संधि में एक रूल होता है, ओ को हटाकर विसर्ग लगा देना है। अब आपको विसर्ग को हटाना है, ओ अला लाना है, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग को हटाकर ओ करेंगे तो मनोबल बन जाएगा। ये विसर्ग संधि कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पर देखिए जिसका भी ऑप्शन आ गया है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, मनोबल बन जाएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हंसाना क्रिया क्या है, हंसाना कैसी क्रिया है तो बताइए क्या हो जाएगा। हंसाना, तो देखो हंसना अगर होता तो अकर्मक क्रिया होती, लेकिन हंसाना है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक नहीं। यहां पर देखिए हमने बताया था प्रेडार्थक, यहां पर देखिए आपसे क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, है ना, हंसाना हंसवाना है ना, प्रथम प्रेडार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेडार्थक क्रिया, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, ये प्रथम प्रेडार्थक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है, प्रेम सागर किस प्रकार का समास का उदाहरण है। चलिए प्रेम सागर बहुव्रीहि समास बनेगा या तत्पुरुष समास बनेगा, प्रेम में सागर अर्थात देखिए यहां पर बी नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिस समास में विभक्तियों का प्रयोग होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है यथाशक्ति में कौन सा समास है, बहुत बार हमने बताया था कि यहां पर देखो अगर इसे तोड़ेंगे यथाशक्ति में तो देखो शक्ति जो आपका है इसका मूल शब्द आपका है, इसमें उपसर्ग आपका कौन है, यथा हो जाएगा, अर्थात यहां पर कह सकते हैं कि ये उपसर्ग है और उपसर्ग वाला होता है कौन सा, अव्ययी भाव समास। देखिए बहुत अच्छे यहां पर ऑप्शन जिसका ए आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अवरोध शब्द का प्रार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अवरोध का विपरीत क्या बनेगा। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए ऑप्शन बनेगा अन अवरोध, अर्थात यहां पर आंसर क्या बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, अन अवरोध बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है कौन, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो आकाश में विचरण करता है उसे क्या कहेंगे। चलिए जो आकाश में विचरण करता है उसे क्या कहेंगे, रजनीचर निशाचर खच्चर या खेचर। तो देखो खेचर है ना, कौन सा बनेगा, डी नंबर इसका बनेगा, यहां पर डी नंबर खेचर हो जाएगा। ठीक है आकाश में विचरण करने वाले को खेचर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है परिधन छेद की संधि विच्छेद से आपको निर्मित होगा, देखिए परिधन छेद दिया गया है, अब यहां पर देखिए आपका बनेगा कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर आंसर बनेगा परिच्छेद, कौन सा, ऑप्शन सी वाला परिच्छेद हो जाएगा, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादि संधि है, अयादि संधि हमने आपको बताया था तीन अक्षर का, मतलब 99 आपको जो क्वेश्चन होंगे लगभग आपको तीन अक्षर के होंगे, है ना। यहाँ पर देखिए तीन अक्षर के तो बहुत दिख रहे हैं लेकिन सिंपल सी मात्रा भी होगी, यहाँ पर नायक हो जाएगा, यहाँ पर आंसर कौन सा, सी नंबर राइट हो जाएगा, नायक बन जाएगा। ठीक है क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीता कपड़े धोती है वाक्य में जो क्रिया है वाक्य कैसी है, नीता कपड़े धोती है में क्रिया जो आपकी है कैसी क्रिया है, चलिए जवाब दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर जो कपड़े हैं ये क्या है, यहाँ पर कर्म है, क्या है, कर्म है, और धोना क्या है, ये क्रिया है, और देख सकते हैं जब हमने बताया था कि किसी भी वाक्य में कर्म होता है प्रधान, है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के साथ है तो सकर्मक क्रिया बन जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है दूध वाला रचना की दृष्टि से यहाँ पर बताइए कैसा शब्द आपका है, रूट शब्द, देखो ये तो टूट जाएगा तो रूट शब्द तो होगा नहीं, यहाँ पर दूध और वाला, यहाँ पर ऑप्शन कौन बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, यौगिक शब्द आपका है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लास किस भाषा का मूल शब्द दिया गया है, लास किस भाषा का मूल शब्द आपका है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखिए लास जो आपका आता है तुर्की भाषा में है, ठीक है कौन सी भाषा में, ये तुर्की भाषा में, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है अगला है निम्न में से देश शब्द आपका नहीं है, साथियों यहाँ पर देखो दिया गया नहीं, अब ये बताइए खिड़की है, कलाई है, चरखा है और आपका तेंदुआ दिया गया है। यहाँ पर देखिए खिड़की भी आपकी है, कलाई भी है, लेकिन चरखा ये आपके फारसी का है, कैसा है, ये फारसी का है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चरखा ये फारसी भाषा से लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर नीचे विकल्प आपको दिए गए हैं, यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प वाक्य शुद्ध रूप बताना है, यहाँ पर आपको बताइए कौन सी वाक्य शुद्ध हो जाएगा, यह पुस्तकें किसकी हैं, तो भाई बोलने से पता चल गया ये पुस्तकें किसकी हैं, कौन सा, यहाँ पर देखिए ना सोचने का समय नहीं है क्योंकि जब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं ये पुस्तकें किसकी हैं, यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इसके बाद वे वापस लौट आए, इसके बाद वे वापस लौट आए, देखो वापस भी दिया है और लौट दिया गया है, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती, ये नोट कर लीजिएगा।
तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया है इसके बाद वापस लौट आए, लौट आए, वापस लौट आए, ये क्या हो सकता है ना, मतलब आपके पास ऑप्शन ए वाला होगा, इसके बाद वे लौट आए, कितना इजी है, आसान हो गया, यहां पर ये नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गर्दन उठाना इस मुहावरे का अर्थ होता है, गर्दन उठाना, पीछा छुड़ाना तो होगा नहीं, मतलब यहां पर बहस भी करना है और प्रतिवाद करना है, तो आपको यहां पर बताना है जो कि आपको हिंदी की दृष्टि से यहां पर कौन, प्रतिवाद करना, गर्दन उठाना मतलब होता है प्रतिवाद करना, ऑप्शन सी नंबर आपको देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है, नहीं आपको दिया गया है, तो देखिएगा यहां पर दिया है वीर का दिया गया है कायर, क्या दिया है वीर का कायर दिया है, ये तो सही दिख रहा है, रत का विरत हो जाएगा, शीत का उष्ण हो जाएगा, अग्र का अंत दिया है, तो भाई अग्र का पश्य होता है क्या, अग्र का पश्य होता है, अंत नहीं होता है, तो ऑप्शन डी वाला यहां पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निर उपसर्ग से बना शब्द, जल्दी जल्दी जवाब देते रहिए भाई, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिएगा, निर उपसर्ग से बना शब्द क्या है, निर्भय, निष्काम, निहत्था या निश्चित। चलिए तो देखिए यहां पर आपका निह दिया है, निश दिया है, यहां पर निश दिया है, मतलब आपका ऑप्शन बिल्कुल सामने दिखाई दे दिया है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा निर्भय, है ना, यहां पर निर निकलेगा और इसके बाद यहां पर कह सकते हैं कि आपका भय निकल कर आ जाएगा, जो कि मूल हो जाएगा भय, तो निर उपसर्ग आपका हो गया निर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी परीक्षा हो रही हो उसे के लिए एक शब्द क्या बनेगा, जिसकी परीक्षा हो रही हो उसे क्या कहेंगे, तो चलिए यहां पर भाई परीक्षक तो बोलेंगे नहीं, विद्यार्थी नहीं, यहां पर देखिए परीक्षार्थी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परीक्षार्थी बोलेंगे, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास बताइएगा, यहां पर धर्म विमुख, यहां पर धर्म विमुख मतलब होता है धर्म से जो अलग हो रहा है, विमुख मतलब कह सकते हैं वहां से मुड़ ले लिया है, तो धर्म विमुख मतलब क्या हो जाएगा, तो भाई अलगाव की स्थिति आ रही है, जब अलगाव की स्थिति होती है वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है, याद रखिए धर्म से विमुख, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन यहां पर डी आया है राइट हो जाएगा, और जिन लोगों का गलत आया है वो लोग माइनस मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उदक किस शब्द का पर्यायवाची है, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है, उदक, चलिए उदक यहां पर क्या बनेगा, देखिए नदी है, झील है, पहाड़ है और जल दिया गया है, याद रखिएगा यहां पर आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर, यहां पर जल बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर जल हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है, यहां पर जवाब दीजिएगा कि निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है। चलिए यहां पर 21 नंबर में नदी दिया है, नदियां, लड़कियां, पहाड़ियां और किताबियां, तो भाई किताबियां कुछ जम नहीं रहा है ना, जम रहा है क्या, नहीं जम रहा है ना, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, किताबियां नहीं होता है ना, तो यहां पर आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, देखिए दीर्घ संधि नहीं है, यहां पर देखिएगा तो कह रहे आपसे कुशासन में देखो बड़ा आके निकल आया है, वर्षात दिया गया है और बड़ी ईद दिया गया है, ठीक है। यहां पर देखिए डी वाले में देखिए इत्यादि में, तो इति धन आदि इत्यादि ये यण संधि का आपका है, किसका है, यण संधि का है, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है, तो ये बताइएगा कि संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, यौगिक, नाम धातु, सकर्मक या सहायक। तो चलिए यहां पर 23 नंबर में, चलिए 23 को ऑप्शन यहां पर देखिए नाम धातु क्रिया हो जाएगा, याद रखिए नाम धातु जिसे हमने आपको बताया था चल, है ना, चल ये आपका धातु हो गया और इसमें अगर ना जोड़ देते हैं तो चलना, यहां पर याद रखिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, चलिए यहां पर मीठा जो आपका है विशेषण कैसा है, यहां पर आपको जवाब देना है 24 नंबर में, तो देखिए 24 का आंसर क्या हो जाएगा, आम मीठा है, इस वाक्य में जो मीठा है वो आपका कैसा हो जाएगा, ये होता है आपका विधेय विशेषण, क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, विधेय विशेषण हो जाता है, ठीक है। याद रखिए हमने आपको बताया था कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो आपके कह सकते हैं कि जो विशेष्य होता है उसके पहले होते हैं, और कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो विशेष्य के बाद भी होते हैं ना, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वह सेब खा रहा है, इस वाक्य में जो सेब है ये कैसी संज्ञा है, बताइएगा यहां पर जो सेब है ये कैसी संज्ञा है, तो भाई संज्ञा अगर बात करें भाववाचक तो भाव तो आपका हो नहीं रहा है, यहां पर जाति भी आपका नहीं है, है ना, द्रव्यवाचक नहीं है, समूहवाचक मतलब यहां पर कोई जम नहीं रहे हैं, कौन से ऑप्शन यहां पर बनेंगे, देखो यहां पर एक होता है संज्ञा मतलब होता है कि वह शब्द जो व्यक्ति वस्तु आदि का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं,
जो संज्ञा मतलब नाम होते हैं, संज्ञा को नाम ही कहते हैं, फलों के जो नाम होते हैं जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, सेब, ये व्यक्तिवाचक में होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको दिया नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन में आपका दिक्कत है। अगर व्यक्तिवाचक होता तो हम लोग लगा सकते थे, क्योंकि फलों के जो नाम आते हैं वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका नहीं लिया लिखा है, तो आप लोग लिख लीजिएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है, तो पुष्प का तत्सम बताइए क्या, पुष्प तत्सम शब्द के लिए तद्भव, तो पुष्प का तद्भव क्या हो जाएगा। पुष्प का तद्भव यहां पर आपको जवाब देना है, तो देखिएगा यहां पर फूल दिया गया है, तो भाई फूली तो आपका बन सकता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है, कबूतर किस भाषा का है, यहां पर जवाब दीजिएगा कबूतर, तो देखिए कबूतर जो आपका है फारसी भाषा से है, कहां से, फारसी भाषा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है फा का उच्चारण स्थान क्या है, फा का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया फा, तो पा फा बा भा, अर्थात दोनों ओठ क्या हो रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो ये ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। जैसे आप फूफा बोलते हैं, पापा बोलते हैं, मामा बोलते हैं, तो जो पा वर्ग होते हैं जितने भी वर्ड बोलेंगे दोनों ओठ आपस में क्या होंगे, चिपकेंगे ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं, तो चलिए भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं, मतलब अपने समूह में या अपने घर में बोलते हैं तो ऐसी बोली को क्या कहेंगे, तो ये क्षेत्रीय बोली होती है। क्या होती है, क्षेत्रीय बोली होती है। भाई अगर हम मान लीजिए एक गांव के चार लड़के हैं, वो आपस में बतिया कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर दूसरे हैं तो वो बातें कर रहे हैं, तो दोनों में पता चल जाता है। इसलिए क्या होता है, जो गाँव में या आपस में बात कर रहे होते हैं वो क्षेत्रीय बोली होती है, वो अपने उसके एरिए में बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द आपको दिया गया है, तो अशुद्ध शब्द दिया गया है पुनर्विचार है, अपकीर्ति है, निर्विघ्न है, और अनुदित दिया गया है। तो देखिएगा यहां पर, देखिए पुनर्विचार में, देखिए यहां पर जो रा उड़ा है ना में ना, ये होता है किसमें, वा में होता है, अर्थात यही वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। पुनर्विचार में जो रा है यहां पर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सही दिया गया है, प्रादुर्भाव, क्या प्रादुर्भाव, आप बताइए प्रादुर्भाव इनमें किसमें से दिया गया होगा। चलिए 31 नंबर में, तो 31 को ऑप्शन यहां पर देखिए प्रादुर्भाव, देखिए ऑप्शन क्या बना यहां पर, बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर भाई, ठीक है। अगला है भारत में हिंदी भाषाई राज्य कितने हैं, भारत में हिंदी भाषाई राज्य कितने हैं, ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है, तो याद रखिएगा कि भारत में हिंदी भाषाई राज्य कितने हैं, आपके 10 हैं, कितने हैं, 10 हैं। एक ट्रिक हमने आपको, देखो हम आपको बता दे रहे हैं, यहां पर होता है हर दिल, देखिए हर दिल यूपी में बसता है, याद रखिएगा हर दिल यूपी में बसता है, ठीक है, क्या बसता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा हर दिल यूपी में बसता है। तो देखिएगा यहाँ पर हासे हो जाएगा, क्या यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, रा से राजस्थान हो जाएगा, दिल से दिल्ली हो जाएगा, यूपी से यूपी हो जाएगा, में से एमपी हो जाएगा, और बसे बिहार हो जाएगा, और यहाँ पर एक जो आपका है बसता, और इसके बाद आपका हासे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कौन कौन हुए यहाँ पर, देखिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, और इसके बाद आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश है ना, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद यहाँ पर बिहार, फिर इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपके 3, तो देखो यूपी से अलग हुआ है उत्तराखंड है ना, तो ये नोट कर लीजिएगा। एमपी से अलग हुआ कौन सा, तो आपका एमपी से हुआ छत्तीसगढ़ हुआ है ना, और आपके बिहार से अलग हुआ कौन सा, तो आपका यहाँ पर झारखंड। तो इतने होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा था, नोट कर लीजिएगा, एक साथ आप लोग लिखोगे राइटिंग से तो अच्छा लगेगा और हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आल का पर्यायवाची दिया गया है, देखो आल का पर्यायवाची दिया गया है, आल का पर्यायवाची, देखो अली होता है आपका, अली मतलब सखी होता है ना, यहाँ पर देखिए आपका अली मतलब आपका सखी होता है, और यहाँ पर सहेली दिया है, भ्रमरी दिया गया है, और ये सभी दिया गया है। तो देखिए भाई यहाँ पर आल मतलब आपका सखी या तो भ्रमरी, हाँ देखिए यहाँ पर देखो भ्रमरी, सखी, सहेली, ये भ्रमर नहीं है, याद रखिए सखी को भ्रमरी कहते हैं, लेकिन जो भ्रमर दिया गया होता है भ्रमर वो अलग होता है, लेकिन भ्रमरी ये सखी का ही पर्यायवाची होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे, आरंभ से अंत तक के लिए क्या कहेंगे, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, तो इसे बोलते हैं अधोपांत, क्या बोलते हैं अधोपांत। तो भाई कुछ तो आपको रटना ही पड़ेगा, ये सब रट्टा मारने वाली चीजें हैं है ना, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची है ना, इनको रट डालिए जितना हो सके। चलिए जो मापा ना जा सके या जो मापा ना जा सकता हो उसे क्या कहेंगे, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए इसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय, क्या बोलते हैं अपरिमेय, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है परंपरागत उक्ति को कहते हैं, परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा। तो याद रखिए यहां पर हो जाएगा ए नंबर अनुश्रुति कहते हैं, क्या अनुश्रुत कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विलास आस क्या निकल रहा है, प्रत्यय मतलब होता है उस शब्द का जो पीछे
है ना, पीछे जुड़ा हो, तो विलास में क्या हो जाएगा, आस, क्या निकलेगा, आस निकलेगा, मतलब यहां पर आपका आंसर बी नंबर राइट जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है बोली में कौन सा प्रत्यय है, बोली में कौन सा प्रत्यय है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर जवाब आने लगे हैं, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बड़ी ई क्या हो जाएगा, बोल और बाप की बड़ी ई, अर्थात ए नंबर हो जाएगा बड़ी ई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अत्यंत का संधि विच्छेद कीजिएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले यह आ गया है, उसके आगे आधा शब्द जुड़ा है, अर्थात यण संधि हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर होता है अति धन अंत, कौन सा ऑप्शन दिया है, अति धन अंत ऑप्शन बी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है जगदीश में कौन सी संधि है, जगदीश में कौन सी संधि है, तो इसे जब तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या, जगत धन ईश, क्या निकलेगा, जगत धन ईश। तो ये जब तोड़े हैं तो आधा निकला जो कि व्यंजन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, निरोग में कौन सी संधि है, निरोग में कौन सी संधि है, याद रखिएगा अगर आपसे बोले निरोग कैसे लिखना है, तो ये शुद्ध निरोग इसी प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग छोटी नी मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा निरोग में यहाँ पर हो जाएगा निह धन रोग, क्या निकलेगा, निह और उसके बाद विसर्ग हो जाएगा और आपका रोग हो जाएगा, अर्थात ये विसर्ग संधि है, क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि ऑप्शन जाएगा ए नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अछौहड़ी का संधि विच्छेद बताइएगा, अछौहड़ी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो संधि है अछौड़ी, ये क्या होती है, थोड़ा सा अपवाद में होती है, ये आपकी वृद्धि संधि के साथ साथ आपकी गुण संधि का भी रूल फॉलो कर लेती है, लेकिन आपको यहाँ पर अच धन उड़ी आपको लगाना है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है साहित्य लहरी किसकी रचना है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, 43 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए सूरदास की हमने रचनाएं आपको पढ़ाया है, सूरदास है ना, यहाँ पर सूरदास की देखो, सूरदास के साथ मतलब होता है साहित्य लहरी और सूर सागर है ना, ये किसकी है, तो आपकी सूरदास की है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है, देखो यहाँ पर सूर साहित्य दे दिया गया है, तो भाई सूर लिखा है, लेकिन आप लोग सूर मत लगा दीजिएगा कि सूरदास लगा दीजिएगा, सूर साहित्य ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, जो लोग नए होते हैं प्रैक्टिस नहीं हुई होती है तो वो लोग क्या एग्जामिनर कितना पागल था, उसने तो सूर लगा दिया है और सूरदास आंसर भी दे दिया है ना, पागल नहीं होता है वो, पागल बना देता है, यहां पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आकाशदीप किसकी रचना है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा है ना, यहां पर आकाशदीप किसकी है, चलिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की याद रखिए कहानी है, ऑप्शन बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला अंधा युग किस प्रकार की रचना है, अंधा युग किस प्रकार की रचना है, तो अंधा युग है किसकी, तो ये है आपके धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती की है। और अंधा युग है क्या, तो ये है आपका क्या, एक काव्य नाटक है, क्या है, काव्य नाटक आपको बताना है, यहां पर आंसर सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है परम औषध का संधि विच्छेद क्या बनेगा, परम औषध में परम औषध क्या निकलेगा, परम औषध कौन सा, ऑप्शन बी नंबर बनेगा, परम औषध हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुरेंद्र में कौन सी संधि है, तो यहां पर देखो एक ही मात्रा है, जब एक ही मात्रा होती है वो आपकी गुण संधि में होती है, हमने बताया था कि गुण संधि के जो रूल होते हैं वो तीन मुख्य रूप से रूल होते हैं, एक ही मात्रा, ओ की मात्रा और आपका ऋषि वाला जो आपका अर होता है, क्या होता है, अर निकल के आ जाता है ना, जैसे महर्षि। तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर गुण संधि हो जाएगा है ना, सुधा इंद्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मनोज किसका पर्यायवाची शब्द आपका है, चलिए मनोज किसका पर्यायवाची है, हमने आपको कई बार बताया है यहां पर कामदेव का पर्यायवाची है, किसका है, कामदेव, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, श्रवण का सही संधि विच्छेद यहां पर 50 का जवाब दीजिएगा। तो देखो यहां पर होता है क्या, ऑप्शन बी बनता है, श्रोधन अन बनता है, इसका नोट कर लीजिएगा, गलती होने के चांस होते हैं, यहां पर श्रोधन अन बनता है, ऑप्शन बी नंबर है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, यहां पर आंसर को लॉक करिएगा। तो आपको पता है हंस पत्रिका के रहे हैं, किसके, हंस पत्रिका के रहे हैं, आंसर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आधे अधूरे किस विधा की रचना है, यहां पर आधे होगा, ठीक है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है, चलिए ये क्या है, ये आधे अधूरे आपके नाटक है, क्या है, नाटक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इसमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है, तो देखो यहां पर तुमने कहा था, ठीक है, पुरानी जूतियों का कोरस और बादलों को घिरते देखा, लेकिन मैं उस जनपद का कवि हूं, ये नागार्जुन का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है, ये जितनी भी आपके हिंदी साहित्य है हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, तो आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो भाई पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो निराला की साहित्य साधना है किसकी, यहां पर राम विलास शर्मा, नोट करिएगा, ऑप्शन बी नंबर जिसका है राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है, रीतकालीन कवि है, यहां पर
बताइए, तो आपने पढ़ा होगा भूषण, क्या भूषण ऑप्शन आपका बी नंबर, ये रीतकालीन कवि हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, तुलसीदास जी की रचना यहाँ पर 109 नंबर में। तो चलिए तुलसीदास की रचना यहाँ पर देखिए, रामचरितमानस और आपकी विनय पत्रिका, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका जो ऑप्शन है ए नंबर, ये तुलसीदास जी की है, ठीक है, क्लियर है। आपके पूछे कौन सी भाषा में है, तो आपकी ब्रज भाषा में है, कौन सी ब्रज भाषा में आपकी है। और अगर पूछे रामचरितमानस किस भाषा में है, तो वो आपके अवधी भाषा में है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों। अगला है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, तो चलिए हल्दी घाटी के रचनाकार यहाँ पर बताना है, तो चलिए राणा प्रताप मत कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर करना है आपको आंसर लगाना है यहाँ पर से श्याम नारायण पांडे की है, याद रखिए इन्हें धूमिल के नाम से भी जाना जाता है उपनाम से। अगला है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो माना जाता है वो किसे माना जाता है, चलिए याद रखिएगा हिंदी गद्य है जो कि शुरुआत होती है आपके भारतीय युग से, याद रखिएगा 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनके जन्म से ही भारतीय युग का प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, पंच परमेश्वर एक कहानी है, है ना, यहां पर मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे, कामायनी के रचनाकार यहां पर कौन हो जाएंगे, चलिए कामायनी जो कि 15 सर्गों में विभाजित की गई है और यहाँ पर आपका हो जाएगा कामायनी जयशंकर प्रसाद, किसकी जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है, तो बताइए भाई चाचा चौधरी पात्र के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है, ये बच्चों की कहानियां लिखते थे कौन, यहाँ पर याद रखिए आपके प्राण कुमार शर्मा, याद रखिएगा बच्चों में प्राण बसी होती है, क्या बच्चों में प्राण बसे होते हैं, याद रखिए चाहे चाचा हो चाहे पापा हो, है ना, यहाँ पर याद रखिए बच्चों के प्राण यहाँ पर बसे होते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा बच्चों की कहानियां यहाँ पर प्राण कुमार शर्मा। आगे बढ़ते हैं, अमृत और विष किसकी रचना है, अमृत और विष, तो अमृत से अमृत और अमृत से अमृत लाल नागर ऑप्शन ए हो जाएगा। और है कथा सम्राट किसे कहते हैं, तो कथा सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं। और पूछा गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, जो कि ये एग्जाम में चाहे जीडी की भर्ती हो चाहे आपकी यूपीएसआई की हो चाहे कोई भी एग्जाम हो वहां पर पूछा जाता है, तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, धनपत राय है। याद रखिएगा आप लोग जैसे एमए का पेपर देने जाते हैं तो भी आपका प्रेमचंद का एक टॉपिक होता है वो पूछा ही जाता है, तो ये तो क्वेश्चन आपका आना ही आना होता है एमए में भी, ठीक है। अगला है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है, तो भाई माटी की मूर्तें याद रखिएगा यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी, क्या माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो देखिएगा इन्हें हिंदी साहित्य का जो पहला पुरस्कार मिला था 1955 में मिला था और मिला था हिम तरंगिनी के लिए, याद रखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं, तो हरिशंकर परसाई याद रखिए एक ऐसी रचना रचते हैं, ये रचते हैं व्यंग रचनाकार, ठीक है, तो ये व्यंग लेखक होते हैं, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, भक्तिन किसे कहते हैं, भक्तिन किसे कहा जाता है, महादेव वर्मा, तो भक्तिन महादेव वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है, तो ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पर डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है, बिना दीवारों का घर ये जो मन्नू भंडारी की है तो है क्या, ये एक नाटक याद रखिए बिना दीवारों का घर ये किसका है, तो आपके नाटक याद रखिए किसका, मन्नू भंडारी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है, तो देखिए दीप जले शंख बजे यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन जाएगा डी नंबर यहाँ, ठीक है। सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, लाइक से भी कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।